हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चौटन चौराहे पर अस्त व्यस्त बसों से लोगों को परेशानी। बाड़मेर शहर के सबसे व्यस्ततम चौटन चौराहे पर अस्त व्यस्त रूप से खड़ी बसों से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चौराहे पर दुकानों के आगे एवं बीच रास्ते में निजी बस संचालक अपनी बसों को खड़ी कर देते हैं, जिससे कई बार यहां पर लंबे जाम भी लग जाते हैं और लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारी दुकानों के आगे निजी बस संचालक अपनी बसों को खड़ी कर देते हैं, जिससे आम जन को आने जाने में दिक्कत होती है। गौरतलब है कि इन दिनों बाड़मेर के चौटन चौराहे से हनुमान मंदिर पर ओवरब्रिज का काम चल रहा है, ऐसे में मुख्य रास्ते को डाइवर्ट किया गया है। इस प्रकार बसों का अस्त व्यस्त खड़े रहना पूरे शहर के ट्रैफिक को प्रभावित करता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि इन बस संचालकों को निर्देशित कर चौटन चौराहा से आगे की तरफ बसें खड़ी करवाएं, ताकि ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए फिरोज खान दुकानदार, इन्होंने ये कहा। जी, हमें ये जो बसों को लेकर कुछ समस्या हो रही है, ये जो एक तो ये ब्रिज का काम चल रहा है उसकी वजह से परेशानी, ऊपर से ये बसों की परेशानी, निजी बसें जो होती है, प्राइवेट बसें जो होती है, अपने जहां मन चाहे वहां पे खड़ी करके चले जाते हैं, और कभी कभार तो यहां पर एम्बुलेंस भी पच जाती है, एम्बुलेंस में बहुत समस्या हो जाती है कभी कभार। तो क्या ये एक तो ब्रिज का काम चल रहा है उस हिसाब से ये ट्रैफिक रहता है, ऊपर से ये जो बस वाले हैं ना अपनी मनमानी करते हैं। हमने कई बार स्थानीय दुकान वालों ने उनको समझाया है, पर ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, और आगे खूब जगह भी बड़ी है बस स्टेशन बनाने के लिए, पर ये कुछ ऐसा इनके दिमाग में नहीं आ रहा है। हम बहुत काफ़ी हमने क्या काफ़ी लोगों ने इनको समझाया है कि बसें यहाँ पे मत खड़ी करो, ये अपने मन मर्जी से खड़ी करके चले जाते हैं, ना कोई पुलिस वालों भी परेशान, आने जाने वाले सभी लोग हम भी परेशान होते हैं। कोई यहाँ से बाड़मेर से क्या ज़्यादा लोग तो गुजरात के लिए रेफर होते हैं एम्बुलेंस में, वो अगर एक दो बार इसमें मतलब परेशान भी हो चुके हैं उनकी वजह से, एक दो जो उनकी डेड भी हो चुकी है इनकी वजह से, पर क्या करें, इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, हम बहुत परेशान हैं। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम इकबाल की रिपोर्ट।